नमस्कार, मैं चंचल भारद्वाज लाइव भारत काल चक्र प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम मौजूद हैं हमारे लाल किताब एवं वास्तु विशेषज्ञ और एवं ज्योतिषी गुलशन कुमार जी के साथ। आज हम जानेंगे कि आखिरकार उत्तर और पूर्व दिशा में क्या होना उत्तम है और क्या नहीं। आज हम जानेंगे कि हमारे घर की जो दिशा है, वो हमारे जो घर की दिशा है, उसके लिए सबसे अति उत्तम दिशा कौन सी बताई गई है, उत्तर या पूर्व, और इन सब दिशाओं में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो गुलशन कुमार जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि उनके घर की जो सही दिशा है वो कौन सी है और कौन सी नहीं। नमस्कार। वास्तु का अर्थ है वास करना, अर्थात निवास स्थान। पुरानी कथा एक ये है कि एक बार भगवान शिव और अंधकासुर में भयानक युद्ध हुआ। यह युद्ध काफ़ी देर तक चला। अंत में दोनों के देह से पसीना बहा और पसीना मिलने से एक विशाल देह वाला व्यक्ति पैदा हुआ। देवता और दानव ये देखकर डर गए कि ये व्यक्ति कौन है, और वह व्यक्ति अंत में ब्रह्मा जी के पास गया और उनके चरणों में आगे से रख के लेट गया। देवता और दानव पूछने लगे कि ब्रह्मा जी, ये व्यक्ति कौन है? तो उन्होंने बताया कि ये मेरा मानस पुत्र है, इसका नाम आज से वास्तु पुरुष होगा, ये हर घर में निवास करेगा, और जिसका घर वास्तु के अनुसार होगा वो सुख में जीवन जिएगा, और जिसका घर वास्तु के अनुसार नहीं होगा वह संघर्ष भोगेगा और दुखों को प्राप्त होगा। तो ज्योतिषी जी, अब हमारा ये सवाल है कि उत्तर और पूर्व दिशा में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैं बताऊंगा क्या नहीं होना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा एक बेहद ही पवित्र दिशा मानी गई है घर की। यहाँ का स्वामी बृहस्पति है, यहाँ पर वास्तु देवता का सिर होता है, यहाँ पर मास्टर बेडरूम ना हो, डस्टबिन ना हो, यहाँ पर टॉयलेट का स्थान ना हो, सीढ़ियाँ ना हो, सेप्टिक टैंक ना हो, यहाँ पर बिजली के उपकरण नहीं होने चाहिए, जैसे कि मीटर इन्वर्टर नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से घर में व्याधियाँ होंगी, धन के अवसर प्राप्त नहीं होंगे, हार्ट अटैक, माइग्रेन, सर्वाइकल पेन होगी और इस तरह बीमार रहेंगे। तो इसके अलावा अब हम ये जानना चाहेंगे कि कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल है कि जिन्होंने वास्तुशास्त्र के अनुसार, यानी कि वास्तुशास्त्र पर ध्यान ना देते हुए जो घर बनाए हैं, लेकिन अब वो उनका क्या करें, उनके लिए उन्हें ऐसे कौन से खास उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि अब लोग अपने घर की जो दिशा है, जो ऑलरेडी बन चुकी है, उसको नहीं बदल सकते, उसके लिए आप हमारे दर्शकों को क्या उपाय बताना चाहेंगे? सबसे पहले मैं बताऊंगा यहाँ पर क्या होना चाहिए, उपाय मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ नॉर्थ ईस्ट दिशा बड़ी हो तो शुभ माना गया है, यानी कि इस यहाँ पर इस दिशा से भूमि का विस्तार ज़्यादा हो तो उत्तम है, धन मान यश मिलेगा। नंबर दो, यहाँ पर मेन डोर हो तो शुभ माना जाता है, इससे घर के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और घर की उन्नति होती है। यहाँ पर पानी की बोरिंग हो तो शुभ मानी गई है, यहाँ पर नल हो तो शुभ माना गया है, उससे धन के अवसर प्राप्त होते हैं, और यहाँ पर सबसे तो मंदिर हो तो शुभ माना गया है। मंदिर यहाँ होने से मन की एकाग्रता बढ़ती है और भक्ति का फल उत्तम मिलता है। तो इसके अलावा आपने हमारे दर्शकों को ये भी, सबसे बड़ा लोगों का एक ये भी सवाल होता है कि जहाँ पर उनके बच्चे स्टडी करते हैं, उस स्टडी रूम के लिए दिशा आप हमारे दर्शकों को बताएं कि उनके बच्चों के लिए वो दिशा कौन सी अच्छी रहेगी जिसमें कि वो अपना मन लगाकर पढ़ाई कर सके। अगर बच्चों का अध्ययन कक्ष यहाँ पर हो, स्टडी रूम यहाँ पर हो, तो वो भी अच्छा माना गया है, बच्चों के नंबर अच्छे आएंगे और बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा। तो इसके बाद मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि जो हिंदू धर्म से नहीं बल्कि जो अन्य धर्म से हैं, उनके लिए आप क्या उपाय बताना चाहेंगे? वो अपने घर में कौन से देवता की तस्वीर लगाएं या फिर अपने ही इष्ट देवता की तस्वीर लगाएं, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जो लोग सिख हैं वो अपने धर्म के अनुसार एकमकार लगा दें, जो ईसाई हैं वो क्रॉस लगा दें, जो हिंदू हैं वो स्वास्तिक या ओम का चिन्ह यहाँ पर स्थापित कर दें, और यहाँ पर आप एक गुरु यंत्र भी स्थापित करें, इससे ये कोना सुख में और साफ हो जाएगा। तो इसी के साथ अब हमारा अगला प्रश्न जो है वो ये है कि जिन लोगों के जो ऑलरेडी घर बन चुके हैं, उनके लिए आप क्या उपाय बताना चाहेंगे? उनके लिए रूम को अलग तोड़, अपने घर को तोड़ना सबसे ज़्यादा बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि वो अपने घर की दिशाओं को अब कैसे सही कर सकते हैं, आप कुछ हमारे दर्शकों को उपाय बताएं। जिनके घर की नॉर्थ दिशा इम्बैलेंस है,
वह बिना थोड़े फड़े ये उपाय करें जिसके उनका इस दिशा का वास्तु सही हो। नंबर वन, ब्राह्मण को भोजन करवाते रहें, उनको वस्त्र का दान कराते रहें। नंबर दो, घर में गंगा जल का छिड़काव करते रहें। नंबर तीन, प्रत्येक गुरुवार को केले बांटते रहें। नंबर चार, नॉर्थ ईस्ट में एक जीरो वाट का येलो बल्ब लगा दें, वो हर समय जलता रहे। नंबर पाँच, गरीब बच्चों को कॉपी और पेन का दान करते रहें। नंबर छः, यहाँ पर बृहस्पति जनता लगा दें, क्योंकि ये दिशा बृहस्पति की है, गुरु ठीक होगा, और अगर संभव हो सके तो साल में एक बार बृहस्पति का हवन करवाएं, इससे ये दिशा बैलेंस हो जाएगी और उत्तर पूर्व से पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे गुलशन कुमार जी ने आपको ये भी बता दिया है कि यदि आपके घर की दिशा सही नहीं है तो उसके संबंधित आपको कुछ ऐसे खास उपाय करने हैं जिनसे कि इन सभी के दोष जो हैं, उनके जो प्रभाव हैं, वो कम हो जाएंगे। तो जैसे कि आपने देखा, गुलशन कुमार जी ने ना केवल हिंदुओं के लिए बल्कि अन्य धर्मों तक के लिए भी उपाय बता दिए हैं। आप इन सभी उपाय को करें और उन सभी दोषों से छुटकारा पाएं। तो हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए एक नए कालचक्र वीडियो प्रोग्राम के साथ, जिसमें हम आपको ईस्ट दिशा के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से देंगे। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे लाइव भारत चैनल के साथ। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।